हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल टेक्निकल स्टूडेंट में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स में, हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल स्क्रू जैक, यानी व्यासांतरी स्क्रू जैक, हिंदी में से हम लोग कहते हैं। इसे दूसरा नाम इसका जो है हंटर स्क्रू जैक भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दो स्क्रू होते हैं, ए और बी। अब देखिए इसकी पहले क्रियाविधि हम लोग थोड़ी सी समझ लेते हैं फटाफट, है ना। इसमें क्या कह रहा है ये, अब देखिए फिर इसमें डायग्राम आपको बनाना है, कैसे बनाना है समझते हैं। तो इसमें देखिए दो स्क्रू होते हैं ए और बी। बड़े स्क्रू ए के अंदर तथा बाहर दोनों तरफ चूड़ियाँ होती हैं, जिसके अंदर वाली चूड़ियों में कम व्यास वाला स्क्रू बी केवल ऊपर या नीचे ही अच्छे दिशा में चलता है और घूमता नहीं है। छोटे स्क्रू पर ही उठाए जाने वाला भार डब्लू रखा जाता है। बड़े स्क्रू ए के हत्थे द्वारा बॉडी में घुमाकर ऊपर या नीचे चलाया जाता है। अब देखिए मेनली बात क्या है, आपको अगर डायग्राम इसका पता है तो आप इसे बहुत आराम से पेपर में कर पाएंगे। तो देखिए जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि डायग्राम मैं पहले से बना के इसलिए नहीं रखता हूँ, जैसे कि आप समझ पाएँ कि कैसे आपको पेपर में ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक्सिस बनानी है फटाफट, और इस एक्सिस के दोनों तरफ बहुत हल्की हल्की लाइन आपको खींच लेनी है, और थोड़ी सी दूरी पर फिर यहाँ पर भी एक हल्की सी लाइन खींच लेनी है। अब देखिए फटाफट आपको ड्रॉ करना है इसमें। तो मैंने आपको देखो स्क्रू बनाने का तरीका इसमें बता रखा है पहले से ही, तो आपको पता है देखिए स्क्रू कैसे बनाना है आपको। तो आपको अल्टरनेटली इस तरीके से लाइनें करती चली जानी है, इस तरीके से आपको अल्टरनेट लाइनें करती चली जानी है, और इन्हें फटाफट मिला देना है। और फिर इनके अपोजिट सेंस में इसमें चला देना ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ जो है जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, तो आपको उसमें जो हमें लोड डब्ल्यू उठाना है वो यहीं लगाया जाएगा, जो सबसे ऊपर है यहाँ पर इसके टॉप पर जो हमें लोड जो भी उठाना है। जो भी हमें भार डब्ल्यू उठाना है वो हमें कहाँ लगाना है, वो यहीं लगाया जाएगा। कैपिटल डब्ल्यू लोड जो भी हमें उठाना है यहाँ पर लगाया जाएगा। और अब क्या होगा कि ये जो है दूसरे के अंदर यहाँ पर डला हुआ है, अब इसे जो है हम डॉट डॉट को ही आगे नीचे तक बढ़ा दे रहे हैं। क्योंकि देखो पेपर में आपको ही बनाना है, मुझे नहीं बनाना, तो आपको थोड़ी सी ट्रिक पता होनी चाहिए कैसे बनाना है। अब देखिए फटाफट, अब हमने यहाँ पर एक थोड़ा सा बना लिया, अब क्या करना है हमें इसको दूसरे के अंदर घुसाना है यहाँ। तो अब देखिए यहाँ पर भी अल्टरनेटली आप फटाफट बना लीजिए। देखिए अल्टरनेट देखिए बनाता जा रहा हूँ मैं, कैसे अल्टरनेट आप समझिए बात को। देखिए जहाँ पहला ये ख़त्म हुआ वहाँ दूसरा शुरू होगा, इस तरीके यहाँ दूसरा ख़त्म हुआ यहाँ तीसरा शुरू होगा, ऐसा आप तरीके से आपको बनाना है, आप पेपर में अच्छा बना पाएंगे और आपका डायग्राम थोड़ा बेहतर लगेगा देखने में। ठीक है, तो हमें चूड़ी को बन चुकी है देखिए। अच्छा, जो अंदर वाला बना है ये आपका अंदर वाला स्क्रू है जो छोटा वाला है, और बाहर जो हम बना रहे हैं ये हमारा बड़ा वाला स्क्रू है जिसके अंदर भी चूड़ियाँ कटी हुई हैं, है ना। तो आप देखिए ये जो है ये बाहर वाला स्क्रू है, ये आप इसे स्केल से मिलाइएगा, मैं फ्री हैंड मिला रहा हूँ इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा है आप, लेकिन इसे फ्री हैंड मिलाइएगा। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना है, ये आपने पूरा बना दिया है इसमें, और यही आपको हैंडल लगा देना है, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहीं आपको हैंडल लगा देना है। ये आपने हैंडल लगा दिया इधर, ठीक है, ये एक्सिस हमारी सीधी चली आ रही नीचे की तरफ, इसे चाहे तो और आगे बढ़ा लो। दिखाई दे रहा है आपको, बात समझ में आ रही है। इसमें देखो चूड़ियों का थोड़ा सा दिखा दीजिए कि हाँ चूड़ियाँ आपको समझ में आ जाए, हाँ चूड़ियाँ हैं इसमें, इस तरीके से ये बना दीजिए जैसे लगने लगा कि हाँ चूड़ियाँ हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा बड़ा वाला स्क्रू हो गया, और इसे क्या इसी बड़े वाले स्क्रू को हम क्या करते हैं एक बॉडी में फिट कर देते हैं। जैसा आपने सिंपल स्क्रू जैक में देखा था वहाँ बॉडी में फिट कर दे रहे थे, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसे क्या करते हैं बॉडी में फिट कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर दीजिए, ये हैचिंग लाइन मैंने खींच दी है इसमें। तो ये जो है हमारी यहाँ पर ये जो है हमारी, ये क्या है, ये हमारी बॉडी है जिस बॉडी में भी चूड़ियाँ होती हैं, और ये जो बड़ा वाला स्क्रू है ना
ये तो सबसे पहले हमारा ये छोटा वाला स्क्रू था, ये वाला। अच्छा, इसमें जो पिच है ये आपकी छोटे स्क्रू की पिच है, दो चूड़ियों के बीच की दूरी पिच कहलाती है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये क्या है आपका पिच, तो ए की है तो ये पिच ए नाम दे दिया मैंने इसे। ये आपका छोटा स्क्रू है, छोटा स्क्रू ए है ये आपका। और ये जो है ये आपका बड़ा स्क्रू बी है, ठीक है। अब इसमें जो इसकी पिच है, इसकी पिच अलग होगी, तो इसकी पिच हमने मान ली यहाँ पर ये या कि पी बी है और ये आपकी पी ए है, ठीक है। तो ये वाली बात तो समझ में आ रही है आपको, पी ए और पी बी। छोटे स्क्रू पर उठाया जाने वाला भार डब्ल्यू रखा जाता था, तो बड़े स्क्रू ए पर। अच्छा, बड़े बड़े स्क्रू ए माना आपने, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे ए मना दीजिए, हमने बड़े स्क्रू को ए बोला है, छोटे स्क्रू को बी बोला है, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। मैं असल में पहले लिख चुका हूँ, नहीं तो मैं डायग्राम में चेंज नहीं करता। तो बात को समझिए, यहाँ पर बड़ी जो पिच है वो हमारी पी ए है और छोटी पिच है वो पी बी है, यानी जो पी ए है वो ग्रेटर देन होगा किससे, पी बी से, क्योंकि बड़े स्क्रू का पिच बड़ा है। यहाँ पर आपको समझ में आ पा रही है बात। अब देखिए इसमें होता क्या है, तो यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है सारी चीज़ें, तो ऊपर जो हमें भार उठाना है वो हमने ऊपर लगा दिया यहाँ पर, ये हमारा भार डब्ल्यू ऊपर की तरफ रखा हुआ है और ये ऊपर नीचे चलेगा। तो इसे हम यहाँ से हैंडल से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक एफर्ट यहाँ पर एफर्ट भी लगाते हैं और इसे इस तरीके से घुमाते हैं, इस तरीके से राउंड एंड राउंड। तो क्या होता है, ये इसमें आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, ठीक है। चलो अब इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फटाफट, क्या कह रहा है। छोटे स्क्रू पर ही उठाया जाने वाला भार डब्ल्यू रखा जाता है तथा बड़े स्क्रू ए को हत्थे के बॉडी में घुमाकर ऊपर या नीचे चलाया जाता है, ठीक है। तो बॉडी में क्या करता है, हत्था हमारा लगा रहता है सबसे नीचे वाले पे और हम इसे घुमाते हैं और ये हमारा भार धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है, ठीक है। देखिए दोनों स्क्रू ए तथा बी पर बाहर बनी चूड़ियाँ एक ही दिशा में होती हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो स्क्रूज होते हैं इनमें थ्रेड्स के डायरेक्शन होते हैं, कि मतलब फॉरवर्ड या बैकवर्ड, है ना, यानी राइट हैंडेड स्क्रू और लेफ्ट हैंडेड स्क्रू, इस तरीके से भी होते हैं। तो इसमें दोनों ही तरफ एक सेम होते हैं, यानी अगर लेफ्ट हैंडेड है तो दोनों में लेफ्ट हैंडेड ही होगा, राइट हैंडेड है तो दोनों में राइट हैंडेड ही होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रही बात। अतः जब स्क्रू ए ऊपर की ओर उठता है तब स्क्रू बी उसके अंदर ऊपर या नीचे गति करता है, आपको बात समझ में आ चुकी है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर ऊपर नीचे हमारी क्या करने लगता है, गति करने लगता है। देखिए ये जब ठीक बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है जैसा कि हमारा हल्की सी आप लिपस्टिक के इसमें बात समझिए, जैसे सपोज दैट हम क्या करते हैं, जब इसमें आप इधर देखिए हम इसे नीचे वाले को घुमा रहे तो आप देखिए ये ऊपर की तरफ निकल रही है, ठीक है। ये तो इसमें भी अंदर क्या है, अंदर आपकी डबल चूड़ियाँ इसमें भी हैं, इसके अंदर भी है, इसके बाहर दोनों तरफ चूड़ियाँ हैं और ये एक एक के अंदर एक चल रही है। अब बस यहाँ पर आप क्या हो जाता है कि इसे जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बिना घूमे नीचे बीच वाला सबसे नीचे वाला हिस्सा है ये बिना घूमे ऊपर की तरफ चलता है और हमें क्या मिल जाता है, लोड डब्ल्यू को हम आराम से उठा लेते हैं, यानी यहाँ पर हमें मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी क्रिया विधि आगे जो है। तो आप देखिए यहाँ पे हम मान चुके हैं या हमें पता चल चुका है, लेट हमने ये मान लिया है, लेट हत्ते की लंबाई जो है, हत्ते की लंबाई इज इक्वल टू कितनी है, कैपिटल आर है, ठीक है। बड़े तथा छोटे स्क्रू की पिच क्रमशः पी ए तथा पी बी है, ठीक। तो ये आपको बात अभी पीछे ही बता चुके हैं हम लोग, ये हमने मान ली अपनी तरफ से सारी बातें कि हत्थे की जो लंबाई वो आर है, बड़े स्क्रू है, छोटे स्क्रू पिच पी ए पी बी है। तो देखिए क्या होता है, इन दोनों के पिच के जो डिफरेंस होता है ना, इसके जस्ट बराबर जो है आपका भार ऊपर या नीचे चलता है। अच्छा, मैं यहीं पर आपसे कहूँ कि प्रयास पी द्वारा चली गई दूरी, तो प्रयास पी कहाँ लगा रहे हैं हम लोग बताइए आप। तो प्रयास पी जो हम लोग लगा रहे हैं मेरे भैया, प्रयास पी कहाँ लग रहा है, हत्ते पर लग रहा है, और फिर एक ही बार में पूरा हत्ता घूम जाएगा वन राउंड, तो वन राउंड घूमेगा तो कितना चल जाएगा, टू पाई आर चल जाएगा, कितना चल जाएगा भैया, टू पाई कैपिटल आर चल जाएगा। अब इसी में पूछू कि बाहर डब्ल्यू द्वारा चलेगी दूरी, बाहर डब्ल्यू द्वारा चलेगी दूरी, वहां पर पिछले जो सिंपल स्क्रू जैक था उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो चल रहा था पिच के बराबर चल रहा था, अब यहाँ पर जो है पिचों के अंतर के बराबर चल रहा है, यानी पी ए माइनस पी बी। तो अब सिंपली आपको पता है, वी नो दैट देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि
मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है, क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो, बताइए आप सीधा सीधा। वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला आपको पता है क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला आप कहेंगे सर पी द्वारा चली गई दूरी, यानी डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, बटे डब्ल्यू द्वारा चली गई दूरी, यानी डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। सीधे सीधे फार्मूला लगा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं बची। अब तो पी द्वारा चली दूरी आपको पता चलेगी 2 पाई कैपिटल आर है, और यहाँ पर डब्ल्यू द्वारा चली गई दूरी कितनी है, पी ए माइनस पी बी है। ये आपकी वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला आ गया। और अगर मैं यहीं ये कह दूँ कि जो हमारी मशीन है वो 100% इफिशियंट है, मतलब आदर्श मशीन है, तो आपको आदर्श मशीन के लिए क्या होता है? आदर्श मशीन के केस में आपको पता है एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, यानी ईटा इज इक्वल टू 100% आपका हो जाता है। ईटा कितना हो जाता है, 100% हो जाता है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाता है, वी आर एम ए के बराबर हो जाता है, यानी एम ए बराबर वी आर, और यहीं पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर अपॉन पी ए माइनस पी बी। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है यहाँ तक, ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। यहाँ पर पी ए और पी बी ये क्या है, पिच है, जो कि एम एम में होंगी, ठीक है। अब देखिए इसके जो एग्जाम्पल हैं, अब इसके जस्ट बाद हमें इसके न्यूमेरिकल देखने हैं। ये हमारी लगभग लास्ट मशीन थी, सारी मशीनें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। अब इसके जस्ट बाद जो हमारा वीडियो होगा वो इसके न्यूमेरिकल्स पर ही आधारित होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपसे वो कहता है कि किसी भी क्वेश्चन में कि प्रति सेंटीमीटर 3 चूड़ियाँ हैं। देखिए बात को समझिएगा फिर से, ठीक है। उसने हमसे क्या कहा कि प्रति सेंटीमीटर 3 चूड़ियाँ हैं, प्रति सेंटीमीटर 3 चूड़ियाँ हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए प्रति सेंटीमीटर का 3 चूड़ियाँ मतलब 1 सेंटीमीटर में 3 चूड़ियाँ हैं। तो आप देखिए इसकी पिच कितनी बनी, पिच पी इज इक्वल टू, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1/3 सेंटीमीटर। बात समझ में आ पा रही है? तो आप इसके ध्यान रखिए पिच इस तरीके से निकाली जाती है। जैसे उसने कहा कि प्रति सेंटीमीटर 6 चूड़ियाँ हैं, तो पिच कितनी हो गई, 1/6। उसने कह दी प्रति 2 सेंटीमीटर में 6 चूड़ियाँ हैं, प्रति 2 सेंटीमीटर में 6 चूड़ियाँ हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप? अब देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर तो 1/3 किया था, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा तो 2/6 हो जाएगा, तो पिच कितनी हो जाएगी, 2/6 यानी 1/3। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके सेट कर दिया मैंने, तो दोनों पिच हैं सेम आ गए। तो इसका भी न्यूमेरिकल आपका बहुत ही बेहतरीन है। आप इसका न्यूमेरिकल देखते हैं हम आगे, एक कोई न्यूमेरिकल देख लेते हैं अच्छा सा इसका, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन ये रहा है, स्क्रीन पर आप देखिए। तो देखिए हमारे एक व्यासांतरी स्क्रू जैक है, देखिए पेपर में क्या है न्यूमेरिकल एक जरूर आना है। तो व्यासांतरी स्क्रू जैक आपने जैसे ही सुना, जैसे ही व्यासांतरी स्क्रू जैक आपने पढ़ा, तो आपने आगे कुछ भी नहीं पढ़ा, आप सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और इसका जो वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला है फटाफट लिख देंगे। देखिए आपको ये काम ऐसे ही करना है, न्यूमेरिकल इसी तरीके से इसके सॉल्व होंगे। आपको सबसे पहले अपना माइंड को मेकअप करना है कि इसके सारे न्यूमेरिकल्स के फार्मूले वेलोसिटी रेशियो इसके क्या क्या है मशीनों के, है ना। एक इसके बाद में इसका मास्टर वीडियो बना दूंगा 6 चैप्टर का पूरे का, जिसमें एक साथ सारे न्यूमेरिकल्स के फार्मूले जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो हम सब लगा देंगे उसी में, है ना। तो आप उसे रट लीजिएगा सबको। तो देखिए व्यासांत इसको जैसे हमने पढ़ा, तो आगे हमने कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले इसका फार्मूला ही लिख दिया 2π/PA-PB। अब देखो यहाँ पता होना चाहिए आपको आर क्या है, यहाँ पर हैंडल की लंबाई है, और पी ए और पी बी क्या है, ये पिच है छोटे और बड़े स्क्रू की, ठीक है। मैं बड़े स्क्रू में प्रति सेंटीमीटर 3 चूड़ियाँ हैं, तो बड़ा स्क्रू हमारा ए होता था, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो बड़े स्क्रू में प्रति सेंटीमीटर 3 चूड़ियाँ हैं और छोटे स्क्रू में प्रति सेंटीमीटर 4 चूड़ियाँ। तो आप ऐसा ना समझें कि सर ये तो 4 है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ऐसा नहीं है। आपको पता है 1/3 1/4 हमें करना, तो 1/ जो हमारा 3 होगा वो बड़ा होगा, 1/4 छोटा हो जाएगा। तो आप देखिए पी ए और पी बी आपको क्या क्या गिवेन है यहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो हमारे देखिए पी ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है सर, 1/3 सेंटीमीटर आ जाएगा ये, और पी बी कितना दे रखा है सर, पी बी आ जाएगा 1/4 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इन एनी डिफरेंशियल स्क्रू जैक देयर आर 3 थ्रेड्स पर सेंटीमीटर इन स्मॉलर स्क्रू एंड 4 थ्रेड्स पर सेंटीमीटर इन बिगर स्क्रू, ओके। बात समझ में आ पा रही आपको? तो 1 मीटर लंबे हैंडल पर आयस की गणना कीजिए, यानी हैंडल की लंबाई, यानी आपको आर दे रखा कितना, 1 मीटर। तो अब देखिए यहाँ पर ये सेंटीमीटर ये मीटर है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, नाइंसाफी हो जाएगी। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने इसे चेंज कर लिया, यानी आपको यहाँ पर दे दिया लेंथ ऑफ हैंडल दे रखी है, आयस की गणना कीजिए, मतलब एफर्ट पूछ रहा है आपसे, एफर्ट एफर्ट आपसे फाइंड आउट करवा रहा है वो, एफर्ट बराबर
इफर्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, गणना कीजिए, जो कि 5000 न्यूटन भार को उठाएगा, मतलब वेट लिफ्टेड कितना है 5000 न्यूटन, तो आपको W दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे भाई 5000 दे रखा है, कितने न्यूटन भार उठाएगा, जबकि इसकी दक्षता 50% यानी इफिशियंसी कितनी है इसकी 50% है। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? अब आप बता दीजिए सबसे पहले आपको गिविन क्या है और आपसे पूछा क्या, ये सब आपको समझ में आ चुका है। अब सीधा सीधा इसमें फार्मूला लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, तो आप देखिए फार्मूला इसमें फटाफट लगा दीजिए, तो आपको पता है वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला फिर से लिख लीजिए, यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला कितना है आपको पता है, 2 पाई कैपिटल आर, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है सर 100 है, अपॉन पी ए माइनस पी बी, यानी पी ए की जगह कितना है 1/3 माइनस पी बी की जगह कितना है 1/4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, 4 3 12, आप इसे डायरेक्ट वैसे कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो 1/12 और ऊपर आएगा 2π × 100, ये 12 ऊपर पहुँच जाएगा, 12 × 24 यानी यहाँ पर आपका आ गया ये 24 00 पाई, ये इतना वेलोसिटी रेशियो आ रहा, कोई यूनिट नहीं होता इसका, तो वेलोसिटी रेशियो हमारे पास 2400 पाई आ चुका है। अब आपको पता है कि इफिशियंसी कितनी होती है सर, इफिशियंसी सर होती है एम ए अपॉन वी आर, क्यों भाई इंटू 100 भी तो करते हैं। अच्छा इसमें आपको ये परसेंटेज में आंसर आता पता, ये 50% दे रखा था आपको, देखो पता ये बताइए रिवर्सिबल मशीन है इरिवर्सिबल मशीन है, तो मैंने आपको बताया था कि 50% या उससे कम अगर होती है तो इरिवर्सिबल मशीन होती है, अपरिवर्तनीय मशीन होती है, ठीक है, तो हमारी अपरिवर्तनीय मशीन है। यहाँ तक क्लियर हो रही बात आपको? तो अब आप देखिए एम ए अपॉन वी आर आपको सीधा सीधे इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो फटाफट वैल्यू पुट कर लीजिए आप, तो देखो आपको एम ए पता है, एम ए कितना है यहाँ पर डब्ल्यू अपॉन पी होता है, आपको फार्मूला पता है एम ए का, तो डब्ल्यू डब्ल्यू तो आपको पता है कितना पता है भैया 5000 पता है, और पी पी तो ही निकालना है, इंटू में नीचे वी आर है, तो वी आर अभी आपने निकाला कितना 2400π × 100 और इफिशियंसी आपको दे रखी 50%। यहाँ तक देखिए कोई समस्या है क्या आपको? अब देखिए 10 से पहले 10 ये उड़ाइए, और 5 से ये कितने बार कट जाएगा 100 बार, और 20 से ये 20 चले गए, तो अब देखिए पी की वैल्यू यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रही है हमें, पी पी उस तरह पहुँच जाएगा, तो पी बराबर 100/24π, ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इतने न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1.326 न्यूटन इस तरीके से आंसर आएगा, कैलकुलेटर में डायरेक्ट हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ वह समझ में आ रही है आपको? तो देखिए ये पेपर में न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं कि देखने में तो इतना बड़ा न्यूमेरिकल था, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, आप बात को समझिए, न्यूमेरिकल इसके बहुत ही ईजी होते हैं और बहुत ही आसानी के साथ हो जाते हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से पढ़ते रहिए और नोट्स बनाइए, न्यूमेरिकल का भी आप नोट्स बना लीजिए, इसमें इतनी बड़ी कोई इंग्लिश वाली बात नहीं है, आप इसे आराम से कन्वे कर सकते हैं, आपको बात समझ में आनी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि डिफरेंशियल स्क्रू जैक है, सबसे पहले हमने ये समझ लिया, उसके बाद इसमें कितनी चूड़ियाँ हैं, ठीक है, और आपने उसकी पिच निकाल ली, चूड़ियों से पिच समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, और ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर फंसा देता है कि एक तरफ सेंटीमीटर एक तरफ मीटर या मीटर मिलीमीटर इस तरीके से दे देता है, तो सेम यूनिट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आपका आंसर सही बैठेगा। तो देखिए न्यूमेरिकल में देखो फायदा ये होता है कि 5 नंबर आपको पूरे मिलने हैं, थ्योरी में हो सकता है वो आपको 3 या 2 ही नंबर दे, लेकिन न्यूमेरिकल अगर आपका बिल्कुल सही है तो 5 मार्क्स पूरे आपको मिलेंगे, ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और इस चैप्टर 6 से ये हमारा चैप्टर लगभग पूरा ख़त्म हो चुका है, 99% पूरा ख़त्म हो चुका है, और अब आप इसमें बिल्कुल 10 नंबर प्राप्त करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। तो क्वेश्चन में देखिए 3 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, 3 क्वेश्चन जिसमें से आपको 2 करने होंगे, ठीक है, 2 आपको करने होंगे, 3 में से 2 प्रश्न आपको करने होंगे, तो आपको देखो 2 प्रश्न 100% आपको आ रहे होंगे, और कोई भी एक मशीन आपको बनाने के लिए आएगी, हो सकता है 2 मशीन बनाने के लिए आ जाए, 1 न्यूमेरिकल आ जाए, न्यूमेरिकल की तो फुल गारंटी है, न्यूमेरिकल आना ही आना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप बहुत ध्यान से देखिएगा इसमें न्यूमेरिकलों को पढ़िएगा, और आपसे कोई भी न्यूमेरिकल आता है इस बात का चैलेंज है कि आपसे कोई भी न्यूमेरिकल अगर फंसता है तो मैं उसको पूरा सॉल्व करवाऊंगा और उसका आंसर तक आपको जरूर लेके जाऊंगा, ठीक है। अब इसमें आपसे घर्षण में नष्ट प्रयास भी पूछ सकता था, तो कोई बड़ी बात नहीं है, घर्षण में नष्ट प्रयास भी आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, तो घर्षण में नष्ट प्रयास का आपको फार्मूला पता है क्या होता है, P − W / Vr, ये आपका क्या होता है घर्षण में नष्ट प्रयास, यानी इफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन, घर्षण में नष्ट प्रयास, क्यों भैया यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? तो आराम से घर्षण नष्ट प्रयास हम लोग निकाल सकते हैं, आपको सब कुछ पता है, P पता है, ये भी पता चल चुका है, W / Vr, W भी आपको पता है और Vr भी आपको पता है, तो आप यहाँ से आराम से घर्षण नष्ट प्रयास भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? तो आपको ये बात समझ में आ पा रही है, ये हमारे न्यूमेरिकल इस तरीके से हमारे होंगे, और आप अच्छी तरीके से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और हमारे जो मैथ्स के वीडियोज़ हैं उन्हें भी आप देखिए,
और भाई देखिए थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, आप लोग बिल्कुल सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके, सीरियस हो जाइए जिससे कि आप अच्छी तरह पेपर में नंबर ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।